नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये है मेरा SBI का नया ATM कार्ड। और दोस्तों SBI का नया ATM कार्ड को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले तो आपको SBI का उस ATM कार्ड का पिन जनरेट करना होगा, यानी पिन बनाना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप घर बैठे अपना मोबाइल से ATM कार्ड का पिन जनरेट कैसे कर सकते हैं, एक ATM पिन कैसे बना सकते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले मैं आपको गूगल में लेकर चलता हूं, और गूगल में आपको यहां पे मैं दिखाता हूं कि एक SMS नंबर, और आप यहां पे देख सकते हैं कि सेंड टू SMS 567676। यानी दोस्तों आपका पिन बनाने के लिए, पिन जनरेट करने के लिए आपको ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आपका बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर से आपको एक SMS भेजना होगा। और SMS आपको कैसे भेजना होगा उसका पूरा फॉर्मेट मैं आपको यहां पे दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैसेज बॉक्स में अभी सबसे पहले तो आपको ये जो SMS नंबर आपको बताया था मैंने, उस SMS नंबर को यहां पे टाइप करता हूं, टू में टाइप करता हूं। इस SMS नंबर को यहां पे टाइप करके इसको मैं डन कर देता हूं। तो यहाँ पे मैं इसको देख सकते हैं कि ये नंबर को आपको टाइप करना है। टाइप करके अभी देख सकते हैं नीचे टेक्स्ट मैसेज। तो टेक्स्ट मैसेज में आपको सबसे पहले लिखना होगा PIN आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। और लिखने के बाद में आपको यहाँ पे एक स्पेस देना होगा। स्पेस देके आपको फिर से लिखना होगा आपका ATM कार्ड का जो नंबर है, वो नंबर का लास्ट का 4 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। आपका ATM कार्ड में आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको 16 डिजिट का ATM कार्ड नंबर आपको दिखने को मिलेगा। उस 16 डिजिट का ATM कार्ड नंबर में से जो लास्ट नंबर आपको दिखने को मिल रहा है, ये लास्ट नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एक बार स्पेस देना होगा। और स्पेस देने के बाद में अभी आपको आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, उस बैंक अकाउंट नंबर का लास्ट का 4 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। तो दोस्तों पिन लिखने के बाद में उसके बाद आपको स्पेस, उसके बाद में आपका जो ATM कार्ड का लास्ट 4 डिजिट है वो नंबर डालना है। उसके बाद फिर से एक स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में फिर से आपका बैंक अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट डालना है। डाल के आपको मैसेज को भेज देना होगा। और मैसेज को भेजते ही तुरंत आपका मैसेज बॉक्स में बैंक की ओर से एक मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैसेज सेंड होते ही SBI की ओर से तुरंत मैसेज आ चुका है। और इस मैसेज को ओपन करता हूँ, और ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इस मैसेज में क्या है। तो दोस्तों इस मैसेज में आपको देख सकते हैं कि SBI की ओर से आपका नया ATM कार्ड के लिए एक वन टाइम पिन आपको जनरेट करके भेज दिया गया है। तो दोस्तों जब आपको भी इस तरह का SBI से वन टाइम पिन आपको मिल जाएगा, तो वन टाइम पिन आपको मिलने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आपको 24 घंटे के अंदर में SBI का कोई भी ATM मशीन में आपको जाना है, जाके आपको ये जो पिन आपको मिला है इस पिन को आपको चेंज कर देना है। और चेंज करते ही आपका नया ATM कार्ड के लिए परमानेंट पिन बन जाएगा। तो दोस्तों अभी लेके चलता हूँ मैं आपको SBI का ATM मशीन में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह है SBI का ATM मशीन, और ATM मशीन में आपका SBI का ATM कार्ड को एंटर कर दीजिए। और डालते ही अभी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे योर ट्रांजेक्शन इज गेटिंग प्रोसीड, तो इस तरह से आपका शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए इंतजार कर लेना होगा, ठीक है। तो आपका कार्ड यहाँ पे रिमूव करना नहीं है, आपको कार्ड अंदर रख के थोड़ा वेट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा कि बहुत सारा ऑप्शन। तो इसमें से आपको बैंकिंग में जाकर क्लिक करना है। ऊपर में जो बैंकिंग है, बैंकिंग में क्लिक करने के बाद अभी लैंग्वेज चूज कर दीजिए। लैंग्वेज चूज करने के बाद में अभी आपको यहाँ पे 10 से लेके 99 तक कोई भी दो नंबर टाइप करना है। टाइप करके आपको यस करना होगा। तो यहाँ पे दो नंबर टाइप करके यस करता हूँ, और यस करते ही अभी देख सकते हैं कि प्लीज़ इंटर योर पिन। अभी आपको मैसेज के थ्रू जो पिन आपको मिला था वन टाइम पिन, उस पिन को आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा, ठीक है। तो वन टाइम पिन यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही अभी आपका सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपको पिन चेंज का जो ऑप्शन आपको दिखने को मिल रहा है, पिन चेंज में क्लिक करना है। तो पिन चेंज में क्लिक करते ही अभी देख सकते हैं प्लीज़ इंटर योर न्यू पिन, यानी दोस्तों आपका ATM कार्ड के लिए जो पिन आप रखना चाहता है वो पिन आपको यहाँ पे अभी एंटर कर देना होगा। तो आपका मर्जी से जो कि आपको याद रहे ऐसा 4 डिजिट का पिन आपको यहाँ पे डाल देना होगा। तो पिन डालने के बाद में देख सकते हैं फिर से आपको प्लीज़ री इंटर योर न्यू पिन, यानी दोस्तों दोबारा आपको सेम पिन को डालना होगा। डालते ही अभी जब दोबारा डाल देंगे तो डालते ही आपका पिन बन जाएगा, और आपको देखने को मिलेगा योर ट्रांजेक्शन इज बींग प्रोसीड प्लीज़ वेट। तो आपको थोड़ा वक्त के लिए आपको यहाँ पे इंतजार करना होगा, आपका पिन जनरेट हो रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंतजार कर लीजिए। देख सकते हैं अभी यहाँ पे योर पिन हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, यानी दोस्तों आपका परमानेंट पिन बन चुका है। अभी जो पिन आपने यहाँ पे सेट किया था वही ये पिन अभी आपका ATM कार्ड के लिए हो चुका है। अभी उस पिन का यूज़ करके कभी भी कहीं से भी अभी आपका ATM कार्ड से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, यानी आपका ATM कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, और वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह का नया नया अपडेट मिलता रहेगा।